वीडियो। तो गाइस कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको ऑफ रोड पे बोला था, जो आपने पिछली वीडियो देखी थी उस पर बोला था कि जो इंडिया की नंबर वन थार है मॉडिफाइड, और दूसरी थार और प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो, उनका रिव्यू करके मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग अभी देखो, ये हमारे सामने थार है और प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो जो थी गुलाब भाई और शुएब भाई की, और आगे शुएब भाई की गाड़ी। तो इनका हम अभी रिव्यू करते हैं, तो आपको डिटेल रिव्यू बताते हैं कि गाड़ी में कितना कॉस्ट है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है, तो जो भी होता है आपको भी बताते हैं, हम डिटेल रिव्यू करेंगे। तो इसी के साथ जो इनके ओनर है गुलाब भाई, हेलो भाई, और शुएब भाई, हेलो भाई, क्या हाल है भाई, क्या हाल है। तो गाइज इनका डिटेल रिव्यू देते हैं। तो गुलाब भाई आपको मतलब आप यहाँ रहते नहीं है ज्यादा, तो फिर भी आप इतनी मतलब मॉडिफिकेशन करते हो गाड़ी। सही कह रहे हो, मैं 6 साल में, आई गेस 6 महीने ही चली है ये गाड़ी। तो हाँ भाई, बस शौक था थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग से। आप लोग देखो, शौक के लिए गुलाब भाई ने थार को क्या बनाया। तो V8 का क्या होगा पहले वो बताओ। तो ये इकलौता एक्चुअली ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, तो सेकंड ये था, ठीक, बट थर्ड एक सबसे बड़ा V8 प्रोजेक्ट है जो अभी तैयार हो रहा है दिल्ली में MMG के पास, है ना, गगन भाटिया के पास। तो हम वो तैयार करें, वो सबसे बड़ा इंडिया का प्रोजेक्ट है। तो वो लेके आप आओगे यहाँ 100%। बस वो उसमें दिक्कत ही होगी कि ये 38 है, आपने देखिए कितने बड़े हैं, उसमें 40 डाल रहे हैं, लिटरली इससे भी बड़े। तो हाँ वो दिक्कत आएगी रोड में बहुत ज्यादा, पर हाँ वो तो कोई बात नहीं, हम उसमें लाएंगे ट्रक में यहाँ तक। हाँ आ जाएगा, तो मैं चला के तो नहीं लेके आना इस बार। तो आज कार के लिए तो क्या क्या मॉडिफिकेशन किया। अच्छा इसको भाई हमने 3 स्टेजेस में मॉडिफाई किया, जो 6 सालों में मैं 3 बार आया, सही, तो उनमें मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ। सबसे पहले ये लगती थी नॉर्मल मॉडिफाई, जैसे हार्ट ऑफ करा लिया किसी XYZ बेकार कंपनी से, मैंने जम्मू में करवाया, ये डालना जरूर, ठीक है। हाँ ये तो मैं डाल रहा हूँ। आप आ नहीं रहे ना यहाँ। तो उनसे मैंने ऑटो बनवाया, तो फॉल्ट ही था, मतलब वो तो कोई चक्कर नहीं। उसके बाद सेकंड टाइम आया, फिर मैंने आपका भी, उसके बाद आपका रिव्यू लेते हैं ना, आपकी भी। उसके बाद मैंने इसकी लुक्स में वो किया, जैसे ये बम्पर, ये ऐसा हुड, ये ऐसी ग्रिल, ये फेंडर्स, ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेज में। जब मैं एक साल के बाद आया, जब तीसरे चौथे साल बाद आया, फिर मैंने क्या किया, इसमें परफॉर्मेंस मॉड्स कराए, नीचे से लीफ स्विंग्स हटा दी, IFS जो आता है इंडिपेंडेंट सेटअप वो हटा दिया, जैसा ये स्कॉर्पियो में है, ठीक है, या थार से हमने नड़ में सेम ऐसा ही था इसमें भी, तो वो मैंने हटवा दिया। तो सॉलिड एक्सेल कर दिया, डायना 44 आगे, डायना 44 पीछे, और मल्टी लिंक, ठीक है, पीछे 5 लिंक, आगे 2 लिंक, 3 लिंक है आगे, ठीक है, 3 लिंक है आगे। सो और वो भी स्प्रिंग और इसके ऊपर शॉक्स के ऊपर। ये लिफ्ट कितनी गाड़ी, ये भाई आई थिंक 7-8 होगी, 7-8 और टायर 38 इंच टायर्स है, 15 इंच रिम्स के साथ व्हील्स के साथ, और स्पेशली इसके रिम्स बहुत स्पेशल है, ये रिम्स है बीडलॉक रिम्स, और ये फंक्शनल बीडलॉक रिम्स है, ये ऐसे नहीं कि लोग लगा देते हैं प्लेट सी, ये इसके लिटरली टायर की बीड को पकड़ के रखते हैं। अब इसका अगर प्रेशर अगर बहुत लो भी कर दोगे ये निकलेगा नहीं टायर, और रोल केज है, ये फंक्शनल है, क्योंकि गाड़ी में बॉडी रोल है, क्योंकि हमने थोड़ी गलतियां करी इसमें, तो जो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेंगे, तो ये रोल केज है जो फंक्शनल है अंदर से बाहर से, और ये हाँ, और छोटी मोटी और चीजें पीछे से मैंने बंद करवा दिया, पहले यहाँ पे शीशा था, फिर मैंने बाद में बंद करा दिया। ये जो लगाया हमने नाइट्रस 2 आउटलेट, ये ऐसे नहीं लगाया, इसमें सही में हमने एक डीजल नॉस्केट फिट करी थी, जो सिलेंडर अभी पड़ा है पर अभी फंक्शनल नहीं है, क्योंकि CRD का इंजन बहुत बेकार है, पर इतना बेकार भी नहीं है, बट ये इसको झेलने लायक नहीं है। हमें किसी के चैनल पे, सॉरी शोएब के चैनल पे हमें एक्सपेरिमेंट करा, बहुत गंदी आवाज निकली, हमने बंद कर दिया। बाकी ये सारे ऑडियो का है, ऑडियो का शौक था तो मैंने लगवाया। ऑडियो क्या है आपका, अंदर इंटीरियर में क्या क्या काम, इंटीरियर में गए, इंटीरियर में अभी तो बहुत रफ एंड टफ है, क्योंकि 6 साल से इसको बहुत अब्यूज करा है। ये रहा 9 सिलेंडर उसका, है ना, NO2 सिलेंडर, ये इसके स्पीकर्स रहे, पीछे सबवूफर था, अभी पिछला लॉक है, ये इसकी रैली सीट्स हो गई, ये इसके लॉकर्स है, ये रहा रेयर लॉकर, ये रहा फ्रंट लॉकर, ये ऑफ और ऑन, ये रहा इसका कंप्रेसर का स्विच, और पीछे कंप्रेसर है, तो इसमें कटिंग ब्रेक्स भी है। बेसिकली आप इन स्विचेस से जब एयर होगी तो आप जो मर्जी टायर लॉक कर सकते हो, चाहे ये वाला लॉक करना चाहे वो वाला, पर ये हैवी बहुत ज्यादा टायर है तो इसमें ज्यादा कामयाब नहीं है वो, और सिंपल है पीछे से रेगुलर स्टाइल। आपने विंच पीछे देखा नहीं होगा, तो इस गाड़ी में देखो विंच पीछे से लगा, ये मैंने सबसे पहले लगवाया था जब मैंने मॉडिफिकेशन स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरी गाड़ी जब भी फंसी है
वो पीछे से ही रिकवरी हुई है। ओके। उसके बाद टायर जैसे कैरियर देखा, पुराना स्टाइल है सिद्धू मूसे वाला बाजी के स्टाइल का। और ये हाँ एक चीज और बताने, लोगों को लगता है टायर बज के टूटे, उससे भी टूटे, पर ये क्रैक आपको दिख रहा है। आप सोचो ऑडियो सेटअप इतना बड़ा था मेरा, ये पहला क्रैक मेरा ऑडियो से आया। ओ भाई साहब, ऑन अ सीरियस नोट, ये सारा क्रैक मेरा ऑडियो से आया। और ऊपर रखे हुए, अगर ऊपर जा सकता भाई दिखाता है आपको, चलो जाओ ऊपर देखो, पूरा रूफ रैक है, बड़ा अच्छा सा रिकवरी ट्रैक्स है, शावल है, ये रहा शावर टेंट, ये रहा ऑनिंग जिसके नीचे बैठ के हम मतलब कैंप वगैरह कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। रूफ टॉप टेंट नहीं रखा क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा हो जाती, बट हाँ। और अभी मेरा ये डिग्गी खराब है, अदरवाइज अंदर मैंने बहुत सारे टूल रखे हैं, इनफैक्ट ऐसे टूल रखे जिससे इंजन भी हम खोल सकते हैं। इम्पैक्ट गन है टायर खोलने के लिए, एयर से जो कंट्रोल होते हैं, क्योंकि इसका कंप्रेसर के साथ एक इतना बड़ा टैंक भी है, आई थिंक एग्जैक्टली उसकी कैपेसिटी नहीं पता, बट बहुत बड़ा टैंक है। तो हाँ, कैपेबल गाड़ी भी है, थोड़ा सा बॉडी रोल है, ज्यादा कैपेबल है। और जो इसके ऑफ रोड शॉट्स है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखी होगा भाई, वो तो मैं डालता हूँ ना इस वीडियो में, जो भी मैंने आपको डिटेल रिव्यू बता दिया कि गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो, क्या क्या हुआ है, और जो इसका मतलब ऑफ रोड पे परफॉर्मेंस है वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं इसके बाद, तो उसके बाद वो शॉट्स आप एंजॉय। स्टेज टू रीमैप्ड भी है क्योंकि इतने हैवी टायर्स के साथ, इतनी बॉडी हैवी के साथ इसको पुल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो स्टेज टू रीमैप्ड है। लो एंड इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है तो अच्छी खींचती है मेरे हिसाब से। इंडिया में ऐसी थार कोई मॉडिफाई, हाँ मेरे ओल्ड थार, हाँ ओल्ड थार इतनी नहीं करी ऐसी कोई मॉडिफाई एक्सटेंड तक नहीं किसी ने करी है, क्योंकि मैंने जब ये बनाई उस टाइम मेरे को नॉलेज थी, मेरे को शौक बहुत था, तो मैं क्या करता था कि ये चीज भी कर लूं इसमें, ये चीज भी कर लूं, ऑडियो भी एक्सट्रीम लेवल पे ले जाऊं, टायर्स एक्सट्रीम लेवल पे ले जाऊं। अगर हम खर्चे की बात करें तो अराउंड, तो भी कोई आइडिया भाई, छोटे छोटे खर्चे इतने होते जो आपको, अगर मैंने तीनों स्टेजेस को ऐड करूं, गाड़ी 10-11 लाख को छोड़ के 30-35 लाख लगा दिए मैंने छोटी। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, 70-80,000 के बीडलॉक रिम्स है, सही, ये 1-1.5 लाख के टायर्स है, 1.5 लाख के करीब, उसके बाद 20-30-50-60 हजार का वो सामान, सस्पेंशन 6-7 लाख का, वो नॉस किट 1,10,000 की नॉस किट, तो ऑडियो सेटअप 6 लाख का, तो गाड़ी में अराउंड 40 लाख की मतलब मॉडिफिकेशन लगी है, मानो इंक्लूडिंग कार, मानो इस रेंज में तो 2020 मॉडल रेंज रोवर आती है, तो जिसमें ये ओल्ड थार मतलब जो भाई ने अपने शौक से मतलब इतनी ज्यादा की, और इसकी परफॉर्मेंस गाइस लाजवाब, मैं पूरा मतलब शौक हो गया था जब मैंने ऑफ रोड पे ये गाड़ी चलते हुए देखी थी। जैसे भाई हमें बताया, तो नेक्स्ट कार थी हमारी ये, तो अभी हम एक V8 प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने सोचा की एक गाड़ी लेनी है, जो हमने ना अपनी गाड़ी बेचने भी दी, तो उसने सोचा एक स्कॉर्पियो लेते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे फिर निकाल देंगे। तो मैंने शोएब को बोला कि भाई गाड़ी लेके, हमने गाड़ी पसंद की, मेरे पापा ने, वो गए, पर रास्ते में मेरे पास 35 के ऑलरेडी पड़े हुए थे, जो मैंने स्टेज टू में इसमें ना, जब ये टैंक थार थी ना, जो सेकंड टाइम मॉडिफाई कराए थे उसमें यही टायर थे, ठीक है, तो जब मैंने इसको अपग्रेड करा 38 में, तो ये टायर मैंने डाल लिया अपने स्कॉर्पियो में 35। तो हमने जब ये ली, हमने टायर डाला के खाली ट्राई करा, तो इतनी सुंदर लगी ये, हमने प्लान ही ड्रॉप कर दिया इसको बेचने वाला, तो ये हम इसको पक्का रख लिया। और इसको ये व्हाइट कलर में थी गाइस, और ये आई थिंक इट बी वन ऑफ द वेरी फ्यू कार्स स्कॉर्पियो प्राइवेटली ओन्ड की ये गाड़ी 4x4 है, और 6 इंच लिफ्टेड विद 35 इंच टायर पूरी, और ये इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर में है, मैनुअल शिफ्टर नहीं है, 4x4 का, हाँ, और विद प्रॉपर लो रेंज गियर बॉक्स, तो हाँ बहुत अच्छी गाड़ी है। और ये मेन अट्रैक्शन की आगे से अभी इसकी ओवर मॉडिफिकेशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं भाई, इसको ये जितनी सिंपल रहेगी ना उतनी ज्यादा प्यारी लगेगी। इसकी मेन अट्रैक्शन भाई आगे से है, इसको आगे से दिखाओ आप। चलो गाइस, आपको हम स्कॉर्पियो का आगे से दिखाते हैं, और पूरा रोल वीडियो भी आएगा गाइस, वो भी आपको हम दिखाते हैं, जो भी इसका पूरा सिनेमैटिक शॉट्स होंगे गाड़ियों का वो भी आपको दिखाते हैं। आप आगे से देखो क्या लुक है गाइस, आगे से भी कोई बता सकता है ये स्कॉर्पियो है, काफी इसको बता सकता कोई, ये थार है ये तो कोई बता ही नहीं सकता, हाँ ये इसको देख के नहीं लगता, पर ये भी आगे अगर आप साइड से देखें या पीछे से देखें तब आपको लगेगा ये स्कॉर्पियो, अदरवाइज फ्रंट से तो नहीं पता लगता। हाँ तो गाइज, अभी हम अब रिव्यू करेंगे थार 700 का, जो की शुएब भाई की है, ओन बाय SQV व्लॉग्स। तो गाइज थैंक यू, हाउ आर यू? ऑल वेल, स्क्रिप्टेड कर रहे हैं हम लोग। तो गाइज, आप हमें बताओ इसमें क्या क्या लगाऊं यार। एक्चुअली मैंने ये स्टार्ट किया था कि जस्ट एक हार्ड टॉप से स्टार्ट किया था, जो कि मतलब उस टाइम पे तो बहुत सही लग रहा था, बट आप देख रहे हो ओवर द टाइम ना इसमें काफी प्रॉब्लम्स आ गई। सेम गुलाब भाई का जो प्रॉब्लम है, ये देखो
हार्ड टॉप का जरूर बताना है। वही बता दो, देखो ये थर्ड टाइम पेंट हो चुका है, ये यहाँ से क्रैक हो रहा है, इसमें इतनी पुटीन भरी हुई है ना, इतनी पुटीन भरी हुई है कि जो मतलब थोड़ा एच एक महीने निकालती है और फिर खराब हो जाता है। ऊपर से इसका जो सिलिकॉन है जो रूफ में, वो भी हर तीन चार महीने में खराब हो जाता है। बाकी अदर देन दैट जो मॉड्स मैंने खुद किए उनमें कोई कंप्लेन नहीं है। बंपर्स हो गए इसके फ्रंट सस्पेंशन में, आईएफएस में मैंने लिंक्स चेंज किए हैं, वो मुझे नहीं लगता किसी को पता भी होगा कैसे करने हैं। और साथ साथ में डिफ ड्रॉप किया है, वो भी खुद किया था। ARC का सस्पेंशन है चारों साइड, तो मतलब ना बहुत स्टेबल रहती है ऐसे खड्डों वड्डों में। वो मैंने चला के भी गाइस देखी है, मतलब जब मैं एक दिन मेरे पास भी थी, मैंने चला के, मेरे को लगता नहीं है कि इतनी मॉडिफाइड कार है ये, कि जिस हिसाब से आप चलाएंगे। 32 इंच के टायर लगे हुए, 35 इंच के टायर लगे हुए और फिर भी गाड़ी में मतलब ऐसा नहीं लगता, मतलब नॉर्मल थार चला रहे चलाने का। पीछे एंटी रोल बार भी है, तो इसको आप 100, 110, 120 तक भगाओ, कुछ नहीं होने वाला इसको। और ऐसे लगता नहीं है कि इतनी हैवी गाड़ी चला रहे हो आप। और मतलब जैसे जैसे जहाँ पे खराब पेव्ड सेक्शन नहीं होता है रोड का, वहां से आप इसको आराम से, वो लगता है जितनी नॉर्मल गाड़ी की स्पीड है उससे डबल स्पीड से निकाल सकते हो। और ये कितना लिफ्ट है गाड़ी? 4 इंचेस लिफ्टेड है इसमें। गाइज आप देखो प्राड़ के बम्पर भी लगे हुए आगे के, आगे पीछे, और विंच भी लगा। कितना LBS है ये? 15,000 pounds 15,000 LBS है गाइज विंच भी। और ये लाइट्स जो मॉडिफिकेशन है ऊपर, हमर लाइट्स ये सब भी लगे हुए है सारे। और प्लस इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हो गई है तो वो मैं आपको गाइस दिखाता हूँ। इधर आओ पहले, जो आपने इसको मैं मतलब ऊपर पहले सनरूफ लगा हुआ है, मतलब ग्लास लगा हुआ है। 14mm के बुलेट प्रूफ ग्लासेस हैं, बुलेट प्रूफ ग्लासेस 14mm के, और पुश स्टार्ट भी है इसमें है ना। ये होता था बट इग्निशन में प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये एम्बिएंट लाइट के स्विचेस होते हैं, बट हमने कार्डी पे स्विच कर दिया। अगर आप वो फर्स्ट बटन दबाओगे अपनी साइड से, ये तो अब आप देख सकते हो इसमें चला नहीं चला। हाँ चल गया। तो भाई ये है एम्बिएंट लाइट, तो रात को ना बड़ा सही एम्बियंस आता है इसका। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, और दरवाजे पे भी है। हाँ दरवाजों पे भी गाइज काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और ये मतलब अंदर से खुद की मेरी पर्सनल फेवरेट है गाइज। मैं एक 24 घंटे गाड़ी चलाई है, मेरे को इस गाड़ी से प्यार हो गया। और मतलब ये जैसे छोटी छोटी चीजें, ये स्कॉर्पियो की डोम लाइट है, ये ड्रॉप डाउन पैनल है अपना, जितना मतलब आप इंजीनियरिंग कर सकते हो ना सार में, वो सब हम कर चुके। तो गाइज काफी ज्यादा अच्छी लगती है मेरे को ये गाड़ी पर्सनली, और काफी ज्यादा मॉडिफाइड भी है। और पीछे भी वो कैप्टन सीट से इसमें लगे हुए, और ये बकेट सीट से फुल फोम सीट से, ऑफ रोडिंग पे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मतलब हम मतलब कहीं पे भी ऑफ रोड कर रहे हैं। और रही पीछे की बात, पीछे क्या क्या किया हुआ है इसमें? पीछे प्राड का मेटल बम्पर है, इसको हमने वेल्डी करा दिया चेसी के साथ, वरना इसमें फ्लेक्स आता है, इतना हैवी टायर के लिए डिजाइन नहीं होता है। सब वूफर जो है वो डिक्की पे ही माउंट है, एंड वही ARC का जो सस्पेंशन है वो इसमें सबसे, लाइट्स वाइट्स ये सब वो तो बेसिक आ गया अपना। नीचे डिफ गार्ड लगा है, अपना ये लगा हुआ है एंटी रोल बार, जिससे गाड़ी झोल नहीं मारती। ओके तो गाइज इस गाड़ी में भी सब चीजें, स्नॉर्कल ये सब कुछ लगा हुआ है। प्रॉपर ऑफ रोडिंग कार है, ऑन रोड भी चला सकते हो, उतनी दिक्कत नहीं देती है, मगर ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग कार है। ये स्कॉर्पियो है, ये भी प्रॉपर ऑफ रोडिंग है, और टैंक थार तो है ही प्रॉपर ऑफ रोडिंग। मतलब जब ये तीनों गैराज में होती है ना, तो यार मैं बता नहीं सकता कितनी प्यारी लगती है। सीधी सी बात है, मेरे को मतलब लगता है ये तीन का मिला के 10 टन वजन होगा मजे से। तो गाइज आप इनके अब शॉट्स, आप सिनेमैटिक शॉट्स आप इनके ये करो, एंजॉय करो, और उसके बाद तीनों गाड़ियों की मैं आपको ऑफ रोड की परफॉर्मेंस भी दिखाता हूँ कि क्या है, तो आप सब कुछ देखो। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एंजॉय किया होगा आप लोगों ने ये गाड़ियों का रिव्यू। और ये गाड़ियां मतलब इंडिया में आप खाली जम्मू कश्मीर में ही देखोगे।